सुबह सुबह हमारा प्लूटन नाराज बैठा होता है, फिर मैं छोटे पपीज को खाना देने जाता हूँ। अब तो बेचारे दो ही रह गए हैं, इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर टिमटिम मिलने आती है, पहले अंगड़ाई लेती है, फिर टिमटिमाकर मोबाइल को ही काटने लगती है। आज मम्मी ने चूल्हे पर ही खाना बनाया है, चूल्हे पर बनी रोटी का टेस्ट अलग ही होता है। फिर मैं ट्रैक्टर लेकर फार्म पर जाता हूँ तो प्लूटो ऊपर से देखकर जाने को करता है, तो मैं इसको भी अपने साथ ट्रैक्टर पर बैठा के ले जाता हूँ। फिर वहाँ पहुँचते ही मिट्टी में बैठकर खेलने लगता है, देखो इसकी हालत। फिर मैं ट्रैक्टर को जोड़कर अपने काम पर लग जाता हूँ तो बाबूजी ट्रैक्टर के पीछे पीछे ही चलने लगते हैं। प्लूटो बॉस की डर की वजह से एक भी बगला एम्प्लॉय नहीं आया है, सबने छुट्टी ले ली है आज। देखो मैंने डांट दिया है कि ट्रैक्टर के पीछे मत चल, तो देखो कैसे चुप बैठा है वहाँ पर जाकर। फिर धूप में काम करके पानी की प्यास लगती है। फिर काम खत्म करके घर को आता हूँ तो देखता हूँ किसी ने गेट खोल दिए हैं, तो पपीत बाहर आकर नाली में गिर गए हैं। फिर इनको साफ करके अंदर करके आता हूँ। फिर शाम को सभी मोहल्ले की सेना को खाना खिलाकर प्लूटो को घुमाने ले जाता हूँ।